मतलब मेरे पास एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स, और आपको मालूम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। मैं अभी फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ टू, तो इसमें क्या चेंज आएगी? आपके पास एफ ऑफ टू की वैल्यू आ गई है, टू का स्क्वायर नौ हो गया फोर। इसी तरह मैं अगर x में थोड़ा सा चेंज कर दूं, x की वैल्यू को मैं 2 से 2.1 कर दूं, ठीक है, अब मैं देखता हूं अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 2.1 में, इसका आंसर आ जाएगा जी 4.41। अब x में क्या चेंज आएगी? जो x में चेंज होगी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा x। तो डेल्टा x मींस चेंज इन x। x में कितना चेंज किया मैंने? 0.1 का मैंने x में चेंज किया। तो y में कितना चेंज आएगा? तो y में चेंज को कैसे लिखेंगे हम? डेल्टा y। डेल्टा मींस स्मॉल चेंज। जब भी हम डेल्टा यूज करें इसका मतलब वेरी स्मॉल चेंज। तो x में चेंज किया मैंने 0.1 का, तो y में कितना चेंज आया? 4.41 माइनस 4, ये आ गया जी 0.41। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली है ही रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आप पढ़ते हैं वेलोसिटी क्या चीज है? वेलोसिटी है जी रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है जी वेलोसिटी में चेंज ओवर टाइम। तो वो उसका फॉर्मूला बनेगा डी वी बाई डी टी। ये डेरिवेटिव डी या डेल्टा जो है ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट, ये जो है ना चेंज बहुत ज़्यादा है एक्स। हमने जो यहाँ पे चेंज लेनी है ना वो तकरीबन जीरो होनी है, वेरी स्मॉल चेंज। तो डिफ्रेंसीशन बेसिकली किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स में चेंज किया डेल्टा एक्स, तो वाई में जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? डेल्टा वाई, ठीक है। तो इसको मैं x है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा x कितना आया है 0.1, ये क्या आया मेरे पास x प्लस डेल्टा x, और ये क्या है x। जब मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो ये हमारा क्या हुआ है f of x, और यहाँ पे जब मैंने किया ये क्या हो गया x प्लस डेल्टा x। तो डेल्टा y का फॉर्मूला क्या बनेगा? f of x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स। ये है जी वेरी लार्ज चेंज, जैसे 0.1 का चेंज है, एक्स मैंने चेंज किया डेल्टा एक्स, तो वाई में चेंज कितना आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज होती है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, यार कुछ उसने एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। तो पेज नंबर 43 पे आ जाए, ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा जी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये आएगा जी डेफिनेशन आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ये हम बोलते हैं इसको डेरिवेटिव, ठीक है। बेसिक जो इसकी प्रोनाउंसिएशन सही वाली है वो है डेरिवेटिव। वो क्या चीज है? डेरिवेटिव। हम भी तुम कटिंग ले जाए तुम तो चले जाऊँगी। डेरीवेटिव बेसिकली सब लोग जितने भी मैथमेटिशियन हैं उनकी इंग्लिश में अच्छी होती है, चले वो कहते हैं डेरीवेटिव। बेसिकली इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा डेरीवेटिव, ठीक है। तो इसकी एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। डेरीवेटिव क्या करता है? फंक्शन का के पीसेस कर देता है, स्मॉल चेंज उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देता है। ऐसी बड़ी मजेदार एग्जाम्पल का मैं पढ़ रहा था, एक मैथमेटिशियन ने कहा कि जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स मुर्गी और जो अंडा है ना वो उसका डेरिवेटिव ये हो गया, मतलब एफ ऑफ एक्स का छोटा सा टुकड़ा वो होगा डेरिवेटिव उसका, ठीक है। एक्स में स्मॉल चेंज की, एफ ऑफ एक्स में स्मॉल चेंज आई, और वो जो रेट ऑफ चेंज फाइंड किया है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या कहलाएगा? उसका डेरिवेटिव। जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आएगी तो क्या पता चलेगा हमें क्या फाइंड कर रहे हैं हम? उसका डेरिवेटिव।
अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है, अगर कोई फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये किसी इंटरवल ए टू बी में डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब इसकी फाइनाइट वैल्यू है, तो अगर ये जो मैं लिमिट ले रहा हूँ, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है, तो इस लिमिट को कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। क्या करना है, हमने डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। ये आपको पता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स के इसके ऊपर डेल्टा वाई होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ डेल्टा वाई, वो भी क्या है, इसकी डेफिनेशन ही बनेगी। हमने पहले ये डेफिनेशन यूज कर ली, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है इसकी डेरिवेटिव की, लिमिट्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इफ दिस लिमिट एक्सिस्ट। देन इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब याद रखना, डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पर लिया जाता है, ठीक है। एक्स इंडिपेंडेंट है, एक्स के बेसिस पर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक हो गया। इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक जो नोटेशन है इसकी वो है जी एफ प्राइम एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का इससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम एक नोटेशन ये यूज करेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसकी कुछ नोटेशंस हैं, डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने दी हुई है। सी क्या है, ये कांस्टेंट है। चलिए पहला स्टेप ये डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के वो कहेगा कि फाइंड डेरिवेटिव तीन नाम है इसके, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एक या बाय डेफिनेशन, ठीक है, या एब इनिशियो मेथड। ठीक है, तो ये आपको याद करेंगे कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो डिग्री ही लगाना है, बाय डेफिनेशन है डिग्री ही लगाना है, एब इनिशियो मेथड है डिग्री ही लगाना है, ठीक है। तो ये अब आप डेफिनेशन से, यानी पहला स्टेप एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे सी एक्स है ही नहीं, क्या आ जाएगा, सी का सी आ जाएगा। दूसरा स्टेप एफ ओ एक्स माइनस कर देना है सी माइनस सी, ठीक है। क्या आंसर आ गया इसका, जीरो। अब एक याद चीज यहाँ पे रखनी है, इसको डिवाइड तब तक नहीं करना डेल्टा एक्स से जब तक या तो ये जीरो ना हो जाए या डेल्टा एक्स कॉमन ना हो जाए। मतलब यहाँ पे तो जीरो हो गया ना, तो आपने सिंप्लीफाई करना है, डेल्टा एक्स कॉमन निकाल दो, जब वो कॉमन आएगा फिर आपने डिवाइड करना है। अब ये तो जीरो हो गया, तो फिर तो हम इसको डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया, लिमिट अप्लाई कर दो। इधर जीरो आ गया, इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इसके इक्वल आ गया जीरो के। याद रख लें कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो, क्योंकि कांस्टेंट में वेरिएबल ही नहीं है, जब वेरिएबल ही नहीं है तो चेंज ही नहीं होगा कुछ, ठीक है। इसी वजह से कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आती है। एग्जांपल इसी का ही सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स जी डेफिनेशन लगाओ, पहला स्टेप
प्लस डेल्टा एक्स फाइंड किया, x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, therefore x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x आपका x का है। अब इसको सिंपलीफाई करना है आपको, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, ठीक हो गया, x स्क्वायर x स्क्वायर से कैंसिल, देखें डेल्टा x कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं डेल्टा x, जब डेल्टा x कॉमन आ जाए फिर डिवाइड, ताकि वो कैंसिल हो जाए, न्यूमेरेटर डेल्टा x जीरो हो गया, क्या बचा x, x के का डेरिवेटिव क्या हो गया x, ठीक है। जस्ट आपने ये डेफिनेशन बनानी है और आप डेरिवेटिव, ठीक है, काफी।